बार फिर से बहुत बड़ा पोपट हो गया है। वाटर बुरा मान जाएगा थाईलैंड अगर यहाँ आके डेली मसाज नहीं कराई। ही वांट्स वाटर। शॉपिंग के चक्कर में अपना बैग वहीं भूल गई जहाँ पे डोसा खाया था। लिटरली बता रही हूँ, मैं अपने से बड़ा गधा इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं देखा। Finally, it's time to say bye-bye to Samoe. बहुत ही beautiful time spend किया हमने। अशर को भी नींद आ रही है और हमें भी नींद आ रही है, बट हम नहीं सो सकते, हम तो अशर की टेक केयर करेंगे और हम मस्ती करेंगे। सीरियसली बता रहा हूँ, आई थिंक अब तक जितने ट्रिप करे ना, सबसे रिलैक्सिंग ट्रिप इस बार था। एग्जैक्टली अब ये ना थोड़ा सा बड़ा भी होता जा रहा है यार। वैसे तेरे कपड़े बड़े मस्त लग रहे हैं आज तो हीरो। इस बार पूरे ट्रिप के लेके शाम तक कुछ नहीं किया। वैसे अशर अपना बड़ा होता जा रहा है तो थोड़ा समझदार भी हो रहा है और हमें भी इंजॉय करने देता, खुद भी एंजॉय करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने में ज्यादा मजा आने लग गया एक्चुअल में ना वेकेशंस पे। समझदार तो नहीं हो रहा ये, तो गलत कह रही है। चलो बेटा चले सामूही से। तो हर्ष ने ना ये ट्रिप प्लान ही इस हिसाब से करा था कि बाकू जाने से पहले हम लोग इस ट्रिप पे थोड़ा रिलैक्स कर ले अशर के साथ। और सामूही एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन थी रिलैक्स करने के लिए। ऑनेस्टली सुबह उठते थे, खाना खा लेते थे, फिर रूम में स्वीट में अब रिलैक्स कर लेते थे, फिर निकलते थे शाम को मार्केट घूम लेते थे। अभी हमने ना टैक्सी बुक कराई है, हमारे होटल के बाहर ही टैक्सी मिल जाती है और वहां से मिली है एयरपोर्ट जाने की टैक्सी 500 थाईबाट में। अगर हम कराते बुकिंग अपने होटल के थ्रू तो टैक्सी कितने की पड़ती हर्ष? 1500-1700 रुपए आई थी, 3 times या 4 times रेट। तो हमने फिर बाहर से ही करा ली तो ऑब्वियसली 4 times मतलब हमें काफी चीप पड़ी है। चलो निकलते हैं भाई। इस वेकेशन में मैंने रिकॉर्ड बनाया, मैंने डेली मसाज कराई है लगातार 3 दिन। जिस होटल में हम जा रहे हैं अभी आपको दिखाएंगे वहाँ का टूर, उसका ना स्विमिंग पूल बहुत गॉर्जियस है, लाइक बहुत ही ऊपर फ्लोर पे बना हुआ है और वहाँ से पूरा इन्फिनिटी पूल है। चलो फिर एक्साइटेड हूँ। और अभी तो मैं सामूही का एयरपोर्ट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो बहुत गॉर्जियस है, मैंने सुना है दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स में से आते हैं। सच में? Yes. चलो फिर देखते हैं। A few moments later. और हम पहुंच गए हैं सामूही एयरपोर्ट। बाहर ही इतना सुंदर है, अंदर देखते हैं। चलो भाई जल्दी चल, 1 घंटा बचा है, सुपर लेट है हम। चर्च हो गया है, चेक इन कर लिया है, बहुत ही खूबसूरत सा एयरपोर्ट है। डिपार्चर गेट की तरफ हम ऐसे घूम तो जा रहे हैं, पहली बार एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट जैसी फील ही नहीं आ रही ना। ऐसा लग रहा है आप बीच पे ही हो किसी। इंडियन रेस्टोरेंट है भाई यहाँ पे। भाई क्या एयरपोर्ट है देख रहे हो, वहाँ लोग ऐसे बैठे हुए हैं चिल कर रहे हैं अपना। मेरा भी मन कर रहा है पर टाइम नहीं बचा है। और कितना कलरफुल है, कल इनका फेस्टिवल है उसी की तैयारियां हो रही हैं यहाँ। भाई क्या ही एयरपोर्ट है, मतलब लोटस लगा रखे हैं यहाँ पे। सारे जल भी गए ना गर्मी की वजह से। कुछ कुछ जले हैं, धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है ना। ये बात तो है पर मतलब सीरियसली क्या ही एयरपोर्ट भाई। भाग भाग के चल रहे थे, 2:15 पे हम अंदर आ गए बट फ्लाइट डिले 1 घंटा। 1 घंटा डिले। अच्छा ना पूरा एयरपोर्ट देखेंगे। कियोस्क लगे हुए हैं यहाँ पे यार, देखिए क्यूट। तेरे को तो शॉपिंग की कोई चीज दिख जाए बस। सही में यही मेरे वाले बैग मिल रहे हैं। ओ पूछे कितने का है? 1200 baht का। इनको दे दे अपना बैग प्रेरणा। अबे तू इनको अपना बैग दे दे, ठीक है 500 में भेज दे। 500 में हर्ष बेटे फ्लाइट डिले हो गई है तो ये तो नहीं सोच रहा तुझे मसाज करानी है? भाई मैं तो यही सोच रहा हूँ यार, तू देख रहा एयरपोर्ट पे भी मसाज हो रही है। 10 thai baht से शुरू हो रही है 15 मिनट की, तो ये कर ले फिर। यार ये क्या है, ये मजाक है क्या? 1 घंटा प्लीज चुपचाप चल ले। 1 घंटा है भाई, देखते हैं ना एयरपोर्ट पे और क्या क्या है। मजाक नहीं कर रही, मुझे जेन्युइनली बिलीव नहीं हो रहा। 10 thai baht से स्टार्ट हो रही है इनकी मसाज। भाई भरा पड़ा चला, मेरा मन भी कर रहा है कि यार करा लूँ ना बैठ के। नहीं हर्ष, अरे मुझे एयरपोर्ट घूमना है क्या पूरे टाइम बस मसाज मसाज? यार ये क्या भसूड़ी है मसाज की, मुझे समझ नहीं आता। नहीं वहाँ पे वो झूला लगा है, मुझे उस पर बैठने आ जा। प्रेरणा देख रही है ओपन एयर एयरपोर्ट, ना कोई शीशा ना कोई एसी है। बेटे तूने देखा नहीं वहाँ पे ना राइट में सावन के झूले झूल रहे हैं लोग। अबे उससे पहले देखा पीछे तेरा रनवे है, अब फ्लाइट उड़ने वाली है। अरे वाह। अबे वो झूल तो रहे नहीं, बैठे हुए हैं, उनसे कहे छोड़ दो। प्रेरणा फ्लाइट का टाइम हो गया, क्या झूले झूलने लग गई? सावन के झूले झूल रही हूँ भाई, ये एयरपोर्ट ही है ना सच में। यहाँ पे झूले झूल रहे, ये रनवे है भाई, ये देखो ये रनवे है। यहाँ से अभी एक फ्लाइट उड़ी है, एक लैंड करी है, हमारी भी आ गई है। और ये देखो ये जा रही है सामने। मैंने ऐसा बस नहीं है एयरपोर्ट कभी नहीं देखा। ये बगिया है जिससे सामान जाता आता है। आई एम श्योर आपने भी कभी ऐसा अनोखा एयरपोर्ट नहीं देखा। वाह यार सब एंजॉय कर रहे हैं, बीच वाइब है। चल भाई चल। और हर्ष का मन कर गया यहाँ पे कोकोनट पीने का। मैंने कहा भाई रुकना नहीं चाहिए, पानी अंदर जाते रहना चाहिए, पीते जाओ। हर्ष डोले बड़े लग रहे हैं सही एकदम। भाई तो देख रही है हर किसी ने अपनी ब्रांडिंग कराई है, लिब्रा कैफे एयरपोर्ट। मलाई बड़ी सही लग रही है, नारियल पानी है पर पसीनो पसीन हो गए हम। ओ भाई ये रोटेटिंग है देख रहे हो, क्या अलग ही जगह यार। 1 घंटा पहले आना चाहिए था। अबे फिर भी आधा घंटा तो डिले हो गई फ्लाइट, आधा घंटा तो वैसे भी आ गया। अबे पर फिर हम आधा घंटा मसाज कराते ना और जाके बैठने लगे उन बगियों में। बिल्ले बग्गी बग्गी आंदा की करेगी। फाइनली बाय बाय को सामूही, फिर मिलेंगे है दोबारा से आएंगे। फाइनली अशर ने जाते जाते बाय करना सीख लिया। देख हम हर डेस्टिनेशन पे यही कहते हैं, जा रहे हैं फिर से आएंगे दोबारा से। आएंगे पक्का। फिर मिलेंगे 2 साल बाद। तो भाई पहुंच गया बैंकॉक, 1 घंटे की फ्लाइट थी, पता नहीं लगा एकदम जू ओरी और एकदम से लैंड कर गई, तो बस बढ़िया था। अब बाकी बैंकॉक आ गए और बैंकॉक आते हमें क्या दिखा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भाई। सिटी लाइफ में आती ना ट्रैफिक 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 है देखो।
34 डिग्री वेदर और ऊपर से 41 किलोमीटर दूर प्लेन है। तुमने इस बार सारे होटल बड़े दूर बुक कराए हैं एयरपोर्ट से। अच्छे बुक कराए हैं ना, तो वो एयरपोर्ट से दूर होते हैं। हाँ, मतलब थोड़े अलग से। यहाँ बैंकॉक में करेंगे क्या 4 दिन? मसाज। A few moments later. और गाइज, हम पहुंच गए बैंकॉक अवनी प्लस रिवरसाइड होटल और हमारा स्वीट भाई अपग्रेड कर दिया उन्होंने हमें। जूनियर स्वीट दे दिया पेनोरमा। प्रेरणा को कोई मना कर सकता है? सच्ची बताओ यार, हमारी GHE डिस्कवरी मेंबरशिप की वजह से। बाय द वे, ये देखो यार, आज तक मैंने कभी नहीं देखा, घुसते इतनी अच्छी अच्छी खाने की चीजें। इनका इनका वहाँ पे ना रेट भी लगा हुआ है, वो भी देख ले। ओ भाई, यहाँ पे देख रहे हो, मतलब ड्रिंक्स व्रिंक्स भी पड़ी हुई है यार। सबका रेट है, पता है मुझे भाई मैं कौन सा ले रही हूँ। और ये देखो यहाँ पे ये सब पड़ा हुआ है। सही है, इधर आ यार, ये ना रूम, वही तो बाथरूम है। प्योर, क्या मजाक है, इतना बड़ा बाथरूम भाई। हर चीज यहाँ पे तो हॉकी खेल सकता है इंसान। ओ भाई, यहाँ देख रोब्स, दो सेपरेट शावर एरिया। ओए होए 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 होए, वो बाथ टब अशर के लिए। अबे तो खत्म ही नहीं हो रहा। अबे अशर के लिए वो है क्या? ये क्या है अशर? बाथ बॉम्ब। ओ भाई, ये कुछ होता है? हाँ हर्ष, बाथ बॉम्ब होता है इसके अंदर, इसमें डालेंगे और अशर नहाएगा भाई। क्या अल्टीमेट बाथ टब है यार। ओपन करो, देखा यहाँ से व्यू दिखेगा, रिवर व्यू। और यहाँ से हाँ हाँ 100% यार। देखो पता है ये पेनोरमिक स्वीट है, मतलब हर जगह से व्यू दिखेगा। माय गॉड, बैंकॉक में आके ऐसा व्यू होटल से। यहाँ पे नहाते और हर तरफ मिरर्स ही मिरर्स हैं यार। जमा देखो मिरर्स, मतलब आई कांट बिलीव यहाँ से ऐसा व्यू है। इतना बड़ा रूम यार, वाओ सो क्यूट। और मेरा दिल भी तेरे लिए। हाय 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 हाय। अब हर्ष हमें खोल के दिखाएगा पेनोरमिक व्यू। 3, 2, 1 गो। यार सही है यार। नो मनी नो हनी, गुड बॉय गो टू हेवन, बैड गाइस वांट टू गो टू बैंकॉक। यार तो बड़े सही है यार। ओ भाई, पूरा ही पैनोरमिक व्यू है भाई। यहाँ पूरी रिवर साइड है, इधर पूरी सिटी साइड है। बहुत सही है यार। और ये देख खाना पीना। ओए होए, GHA मेंबर्स, हमारे GHA मेंबर्स होने का हमारा फायदा देख रहे हो, खाने की चीजें मिलती है यार, बढ़िया बढ़िया। लेटर दैट सेम इवनिंग, और हर्ष और अशर चले गए हैं पूल में। इन्फिनिटी पूल है, क्या ही व्यू है यहाँ से, बहुत ही अमेजिंग। क्या हुआ? बस खाना आ गया, खाना। अच्छा आज ये भूल गया, आज इसको ये पूरी समझ नहीं आ रही। हाँ आज इसका मन नहीं कर रहा। चलो बेटा बाहर, आप भी खाना खाओ। The next morning. तो भाई बैंकॉक आ गए हैं, क्या प्लान है प्रेरणा आज का? आज शॉपिंग करेंगे। बैंकॉक फेमस है सिर्फ 2-3 चीजों के लिए, एक है शॉपिंग, एक है प्रेरणा, और दूसरा है हर्ष की मसाज। बैंकॉक आके मसाज नहीं करी तो क्या किया प्रेरणा? मसाज कब कराएंगे? शॉपिंग तब होगी जब मसाज होगी। बेटा मैं खुद परेशान हो गई, तेरे पापा का मसाज ही नहीं खत्म होता। भाई मैंने क्या सोचा, मैंने ना रिकॉर्ड बनाना है, डेली मसाज करानी है। आज 4th दिन है तो आज ही मसाज होनी चाहिए। 3 दिन आज तो मेरी होगी। नहीं, आज मेरी भी होगी, फिर कल भी होगी, फिर परसों एयरपोर्ट पे भी होगी। भाई पता है बुरा मान जाएगा थाईलैंड अगर यहाँ आके डेली मसाज नहीं कराई। अभी फिलहाल मैं बुरा मान रही। चलो फिर, तो थाईलैंड में ना नेक्स्ट 3 डेज तक फेस्टिवल चलने वाला है जिसका नाम है सोंगक्रान, जो बेसिकली यहाँ का होली फेस्टिवल है। तो आई एम थोड़ा सा कंसर्न की कैमरा और फोन भीग ना जाए, क्योंकि सबने बताया कि लोग यहाँ पे वाटर स्प्लैश करने वाले हैं। पता नहीं किस लेवल का होने वाले, बट मैंने कल देखा था सब लोग पिचकारियां खरीद रहे थे। चलो देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं फेरी की तरफ, फेरी लेके हम पहुंचेंगे सेंट्रल MBK मॉल, तो वहीं पे शॉपिंग करने वाले हैं। बट आई होप हम वहां तक पहुंचते भीग ना जाएं। लेट्स गो। यहां हो रही है अशर की मसाज, प्रेरणा ऐसी मेरी भी कर दिया कर। यार धूप बहुत ज्यादा है ना, ये मेरे लिए भी तो धूप है। आजा ये ले, हाथ पे लगा दे क्रीम व्रीम यार। यू आर नॉट अ बेबी, आई एम अ बेबी। सदन पीआर जा रहे हैं। ओके अनिता कहां बैठेगी? राइड के बाद लेने लगे हैं टिकट स्काई रेल की, नेशनल स्टेडियम जाना है। ओके आज तो हर्ष के टोलों का टेस्ट हो गया है, सिर्फ सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ रहा है हर जगह। हिफ क्यों नहीं है यार यहाँ? स्काईलाइन से जाने के लिए टिकट्स लिए हैं। Sometime later. भाई तो फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पे, सब अपनी बंदूक के लेके घूम रहे हैं। भाई कैसी दुनिया में आ गए हैं, यहाँ पे क्या सही फेस्टिवल चल रहा है। मेरा भी मन कर रहा है इस फेस्टिवल में पार्ट लेने का, बट अशर के साथ अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब अशर पड़ा होगा तब करेंगे, अशर के साथ करेंगे। सब अपनी अपनी बजूका के साथ आए हुए हैं, हर्ष हमें भी लेके आनी चाहिए थी, आज लोगों पे तो मार सकते थे। MBK सेंटर और अशर के लिए शॉपिंग। बेटा तेरे लिए शॉपिंग शुरू होती है आजकल। दिस इज द स्मॉलेस्ट, ये आएगा। बैंकॉक में सब कुछ मिलता है बेबीज के लिए यार, कितने कपड़े मिलते हैं यार। ये देख, नाइट सूट ही नाइट सूट। अपनी शॉपिंग नहीं, अब तो अशर की शॉपिंग चलती है। नाइट सूट नहीं लूंगा, जो सोता नहीं उसके लिए नाइट।
कॉर्ड सूट नहीं। सही बात है, अशर ने हमें यहाँ पे रोक लिया। पापा मुझे कॉर्ड सेट ले दो। पकड़ पकड़ के खींच रहा कपड़े, पापा मेरे कपड़े दिलाओ। यार यहाँ पे तो बच्चों के कपड़े ही कपड़े हैं। यार हमने वहाँ से शॉपिंग क्यों करी यार, सही में सब सस्ता मिल रहा है। अच्छा कह रहा पहले वेदांत के लिए लो, मेरे लिए बहुत सारे कपड़े लिए आपने। चलो ठीक है, ये वेदांत के लिए, ये वेदांत के लिए, ये वेदांत के लिए। नाइस, इतने सारे वेदांत के लिए, अशर के लिए भी लो भाई। तो हर्ष वहाँ पे कपड़ों की डील बना रहा है और मैं यहाँ पे अशर और अपने लिए ड्रिंक्स लिए। टिम हॉर्टन्स था तो मैंने सोचा ड्रिंक्स पीते हैं जल्दी से फटाफट से, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है। तो भाई मैंने पाइनएप्पल ड्रिंक लिया है, अशर के लिए हमने मैंगो ड्रिंक लिए। आजकल अशर मैंगो बहुत खुशी खुशी खाता है। हमारा खाना आ गया। प्रेरणा तू बैंकॉक आई है, तू कनाडा का खाना क्यों खा रही है? टिम हॉर्टन्स देख रहा है यार, कितना बढ़िया डोनट मंगाया मैंने भाई, क्या डोनट है, बेरीज भरी है इसके अंदर। और ड्रिंक देख भाई, टिम हॉर्टन्स की ब्रांडिंग देखो आप, क्या मस्त है। Sometime later. भाई अशर के लिए यहाँ पे स्लिपर्स लिए जा रहे हैं, कितने क्यूट हैं यार। अशर को भी पसंद आ रहे हैं। हाँ, उतार नहीं पा रहे, फंस गया है। कितने सारे कलर्स हैं यहाँ पे, लाइटों वाले। हर्ष ने पहनाए अशर को पिंक स्लिपर्स, ये इसका क्यूट लग रहा है यार। आइसक्रीम खाऊंगा, सही उतार भी नहीं पा रहा। ये 18 इसका साइज है। स्पाइडरमैन और बैटमैन दोनों ले लिए भाई, इतनी ज्यादा शॉपिंग कर ली ना, उसके बाद हमने सोचा एक छोटा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि सामने दिख गया था मुझे डोसे का वॉलपेपर, और डोसा देख के तुझे तो पता है मुझसे कंट्रोल नहीं होता। भागती भाई, ये पहले एक बार ऊपर पोपट हो चुका है, वहाँ डोसा इतना बड़ा लिखा था। हाँ, स्टोर का नाम ही डोसा था और डोसा ही नहीं था। ये भूख लग रही थी कि कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए, सारा डोसा खत्म, इडली कप की पेट में जा चुकी, और ये भाई तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। भाई सही बताऊँ, पेट भर गया, नियत नहीं भरी, खाए जाओ खाए जाओ। थोड़ा सा इसको भी खिला दो। अशर के लिए ब्लूबेरीज दिखी है, ग्रोसरी लेते हैं थोड़ी सी, देखते हैं कैसी होती है ग्रोसरी। अब हम लेंगे ग्रोसरीज, और ग्रोसरीज में सबसे पहले लेंगे मैं अपने लिए डेट्स, अशर के लिए रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी। हाँ जी ले लें अशर भाई, किसी भी कंट्री में आके ग्रोसरी लेना तो मैंडेटरी है ना भाई। तो यहाँ पे आ गई है हमारी रास्पबेरी, ब्लूबेरी एंड स्ट्रॉबेरी। अच्छा रास्पबेरी नहीं, डेट्स है, सॉरी। तेरे को एक बात बताऊं, कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा होता है बैंकॉक? ड्रैगन फ्रूट। मैंगो, तेरे को मैंगो की वैरायटी दिखाता हूं, 10 टाइप्स ऑफ मैंगो। उसको क्या चाहिए पहले ये बताओ? एप्पल चाहिए, एप्पल। अच्छा उसको ये चाहिए। अच्छा ले लो, पकड़ो आप, पकड़ो बेटा, ये सबसे अच्छी चीज है, आप पकड़ने लग जाओ हमारा सारा भारी खत्म हो जाएगा। सही बात है, तीन तीन बंदे हो जाएंगे सामान उठाने वाले। mango, भाई mango, क्या वैरायटी है मैंगो की। अशर तेरे को अपने जैसा बनाना चाहता है मैंगो मैन। मैंगो मैन, ओ तेरे को पता है ना तरबूज भी मिलता है यहाँ पे येलो कलर का, ये स्पेशल मैंगो है जिसके साथ देख चटनी भी है। तो ले ले फिर भाई, यहाँ पे हमने ले लिए खट्टी मीठी गोलियाँ अलग अलग टाइप की और मैंगो। अशर बैठ गया है ट्रॉली में, कह रहा है मैं ट्रॉली में ही घूमूंगा, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे भी तो फन कराओ पापा। देख रहे उसको ये करना है, उसको निकालना है सारा बाहर, अनबॉक्सिंग करनी है उसको। बेटे वो अनबॉक्सर है, अशर के साथ करेंगे अनबॉक्सिंग चैलेंज। भाई प्रेरणा का पेट नहीं भरा तो अभी हम जा रहे हैं प्लैटिनम फैशन मॉल, कह रही है मुझे और कपड़े लेने, कपड़े ही कपड़े। अभी तो लिए ही नहीं, तो वो देख यार वहाँ क्या चल रहा है। ओ भाई गाड़ी के अंदर से खोल खोल के वाटर फाइट हो रही है भाई, सबके हाथ में वाटर गन्स है यार। हमारे को भी करो भैया, आगे करना थोड़ा सा, मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड। ये देखो ये बैंकॉक के ड्राइवर से बोल रहे हैं हिंदी में, मूव फॉरवर्ड थाई, बोल थाई। हेलो, ही वांट्स वाटर 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 वाटर। भाई फुल ऑन रस्ते में होली खेल के हम आ गए प्लैटिनम फैशन मॉल। भाई सब खरीद लूंगी आज मैं, आज प्रेरणा पागल हो चुकी है। ये बैंड्स ले रही है, मुझे नहीं अच्छे लग रहे प्रेरणा, ये नहीं अच्छे लगते, ये फैशन है आजकल। ये फैशन नहीं है, ये उस मिठाई के डब्बे में लगे होते थे, अक्सर कोई पसंद नहीं है, सब पसंद है उसको। ये वाले मत ले, ये अच्छे हैं। हाँ ये वाले मत लियो, ठीक है ये वाले भी अच्छे लग रहे हैं सारे। प्रेरणा ये सब बैग में नहीं आएगा, बहुत भारी हो जाएगा बैग। बस कर बस कर बस कर, अक्सर भी मेरी हेल्प कर रहा है। गुड गुड टू गो, गुड टू गो, नेक्स्ट शॉप नेक्स्ट शॉप। ओके एक और कैप की कोशिश, अशर ये कैप पहनेगा? बिल्कुल पहनेगा, पहन लिया। अशर भूल गया अशर ने कैप पहनी है, अशर को याद है, अशर अभी उतार देगा। ऐसी शॉप पे आया अशर के लिए कपड़े कपड़े मिल रहे हैं, और भाई एक्चुअल में दिलजीत जैसे कपड़े मिल रहे हैं यार। ओ भाई तो ये वाली कैप ले लिया अशर के लिए। भाई तू क्या ले रहा है उसके लिए और वो क्या ले रहा है अपने लिए? बेटा वो लड़कियों के कपड़े, इधर आओ। ये देखो हर्ष ने सारे कपड़े फाइनल करा लिए हैं इसके लिए कि एक एक निकाल दो। अभी मुझे कह रहा था छोड़ क्या लेने, और जब मैंने कहा कि दो तीन ले लो तो कह रहा सारे फाइनल करा दो, सारे करा दो, सब ले लो, सब ले लो, साल तक ये सब पहनता रहेगा। बढ़िया, हर बार बैंकॉक कौन आएगा बार। पर पता है इतना सस्ता भी नहीं है जितना तू कह रहा था, 800-900 रुपए का एक सेट है, पता है 1000 का एक्चुअली। क्या पसंद आ गया तुझे यार? यहाँ पे बड़े अच्छे कॉर्ड सेट्स हैं यार, तेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, कुछ नहीं लेना है यार। चल हमें फास्ट करना है, सब बंद होने वाला, 8 बजे बंद हो जाती है यार, हमें नहीं लेने। चलो ले लिए मैंने यार। एक बार फिर से बहुत बड़ा पोपट हो गया है, शॉपिंग के चक्कर में अपना बैग वहीं भूल गई जहाँ पे डोसा खाया था। लिटरली बता रही हूँ, मैं अपने से बड़ा गधा इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता था हर्ष मुझे सिर्फ ऐसा बोलता है कि तू इरेस्पॉन्सिबल है, तो मैं थोड़ा गुस्सा हो जाती थी अशर पर। आज मैं ये चीज अग्री करती हूँ कि मुझसे ज्यादा बड़ा इरेस्पॉन्सिबल इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लाइक रियली एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बहुत बड़ी गधी हूँ। तो हम लोगों ने डोसा खाया, वहां तक मैंने व्लॉग किया। उसके बाद डोसा खाने के बाद अशर को मैं लेके गई बेबी रूम में, वहां पे मैंने अपने बैग में से सामान निकाल के
उसके बाल बाल सेट करे थे, मुझे सब अच्छे से याद है। उसके बाद हमने ग्रोसरी शॉपिंग करी थी और उसके बाद हम लोग गए थे टैक्सी में बैठ के प्रत्युनम मॉल। तो जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैंने सारे फोन में जितना भी डाटा था सब स्कैन कर लिया, कैमरा में जितनी फुटेज थी सब देख ली। मेरे को नहीं समझ आ रहा मैंने बैग कहाँ छोड़ दिया, गाड़ी में ही छोड़ा है जितना मुझे लग रहा है। मैंने MB के शॉपिंग सेंटर में जहाँ हमने खाना खाया था बॉम्बे डिलाइट वहाँ कॉल किया, उन्होंने बोला कि हमारे पास नहीं है, वहाँ पे मैंने छोड़ा भी नहीं, मतलब आई एम श्योर अबाउट दैट। बेबी रूम में फोन करा, उन्होंने भी बोला कि हमें नहीं मिला लॉस्ट एंड फाउंड में। तो मॉल में तो कहीं नहीं रहा, जितना हमें लग रहा है हमारी वीडियोस के थ्रू यही पता लग रहा है कि टैक्सी में कहीं रह गया होगा। और अभी टैक्सी वालों का एक वीडियो में एक्चुअल में टैक्सी का नंबर रिकॉर्ड हुआ था, तो वो हमने अपने होटल के कॉन्सियर्ज टीम को दे दिया है। वो कह रहे हैं कि हम ट्राई करेंगे बट कोई गारंटी नहीं है, बहुत मुश्किल है कि बैग रिट्रीव हो सकता है। एनीवे बैग तो अब चला गया। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि बैग के अंदर घर की कीज थी, और सबसे अच्छी चीज यह है कि बैग के अंदर कोई पासपोर्ट और कोई पैसे नहीं थे। तो पासपोर्ट नहीं था तो ये अच्छी बात है, पैसे नहीं थे भी अच्छी बात है, बट मेरे कॉस्मेटिक्स थे, अशर की क्रीम थी और घर की चाबी थी। अभी घर की चाबी एक डुप्लीकेट पड़ी होगी तो देखते हैं, बाकी बैग तो चला गया, रेस्ट इन पीस बैग। अभी ये कोई ना एक्चुअल में चमत्कारी होगा अगर बैग वापस मिल जाता है। एनीवे अशर और हर्ष ने बोला कि घर पे बैठ के यहाँ पे रूम में क्या ही करेंगे, तो चलते हैं बैंकॉक की नाइट मार्केट देखने। तो बस बैंकॉक की नाइट मार्केट देखने जा रहे हैं।